सब घर में आए हैं और टूटन डेयर खेला जा रहा है. किसी ने ट्रूथ भी बताया, डेयरिंग भी बताई, तो जाना चाहिए. आई थिंक नंदिनी जब से इस घर में शिफ्ट हुई है वो तब से शी इज ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट. वो अपनी मर्जी का करना चाहती है. तो पहली बार सब लोगों को लगता है कि नहीं ये तो ट्रुथ ही बोलेगी बिकॉज शी डजंट हैव द गट्स टू डू एनी डेयर. लेकिन नंदिनी डेयर बोलती है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डू वट शी फील्स लाइक एंड शी वॉन्ट्स टू डू टू जस्ट प्रूव हर पॉइंट ऑफ हर सेल्फ दैट शी कैन डू. जो नंदिनी की डेयरिंग है वो शायद दीदा आपका साथ देंगी उस डेयरिंग में. यस, हम दोनों शैंपेन पी रहे हैं क्योंकि दीदा मुझे बोलती है कि आज तेरी डेयर है कि तू मेरे साथ एक ग्लास शैंपेन पिए. एंड एक्चुअली पीती हूँ और मैं पूरा एक ग्लास पी जाती हूँ. आई डाउन वन ग्लास ऑफ शैंपेन. ओके, फर्स्ट टाइम होगा तो क्या नंदिनी किसी चीज़ पर डगमगाएगी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं डगमगाएगी. हाँ, डगमगाएगी थोड़ा बहुत, वो आप देखना क्या होता है. इट्स जस्ट नॉट डगमगाना, इट्स जस्ट लीविंग योरसेल्फ फ्री फॉर अ बिट. और इस ट्रुथ डेयर में कितनी सच्चाई बाहर आने वाली है? सीन में कुछ ऐसा स्नीक पीक अगर आप व्यूअर्स को दें? ऐसा कुछ नहीं. अच्छा हाँ, जस्ट इट्स जस्ट इट्स अ गेम. सो सब अपने दिल की बात बता रहे, सब डेयर कर रहे. तो अदिति क्या मौली को भी ऑफकोर्स ट्रुथ और डेयर, जब उसका टर्न आता है तो वो ट्रुथ बोलती है एंड वो भी अपनी दिल की बात बताती है दैट अगर इस कमरे में कोई है जिसके बिना वो नहीं जी सकती है, जिसे वो प्यार करती है, तो वो कौन? सारी सर दृष्टि, लोग काफ़ी इंस्पायर्ड है द वे यू कैरी योर सेल्फ. जो साड़ीज पहनते हैं आप, इतनी खूबसूरत लगती है, थोड़ा अपने लुक के बारे में बताइए. आई थिंक द क्रेडिट गोज टू जस्ट नॉट मी बट द क्रेडिट गोज टू शिवानी द स्टाइलिस्ट, माई हेयर एंड मेकअप टीम. बिकॉज एवरी टाइम हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ नया करें तो ऑफकोर्स शिवानी कम्स अप विद दीज रियली अमेजिंग साड़ीज. सो हम एज अ टीम वी ऑलवेज ट्राई टू डू अ न्यू हेडू. मैंने आज तक आई डोंट थिंक कोई भी शो में इतने हेडूज ट्राई किए हैं एंड आई एम एक्चुअली ट्राइंग न्यू थिंग्स बिकॉज आई डोंट नो वॉट माइट लुक गुड एंड वट माइट नॉट एंड आई एम गेटिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स.